आप सभी का हमारे ऑफिशियली यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं मनोज शर्मा, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग फैकल्टी, आप सभी का अपने ऑफिशियली यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। क्या करेंगे दोस्तों? नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लेते हुए चलेंगे। फाइंड द जीरोज नंबर, फिर थ्योरम, यूनिट डिजिट, ये सभी हम लेते हुए चलेंगे। इकाई का अंक निकालना, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल भी समस्या लेने की, घबराने की जरूरत नहीं है। आज के बाद कभी भी इकाई का अंक का कोई क्वेश्चन आएगा आपसे कि भाई इकाई का अंक बताइए, आप रेलवे देखते हो या दिल्ली पुलिस या यूपीएसआई या अदर स्टेट्स एग्जाम्स, तो आपको वहां नंबर सिस्टम से क्वेश्चन देखने को बहुत ज्यादा मिलते हैं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता है कि जहां नंबर सिस्टम नहीं डाला जाता है, क्योंकि नंबरों से ही तो खेलना है मेरे भाइयों। और मैथमेटिक्स भी यही कहता है, आप ध्यान देना। आप भाई इकाई का अंक यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, ध्यान देना। मैं आपसे बात करूं, यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है मेरे भाइयों? इकाई का अंक, जो कि मतलब मेरे इधर से चले, किधर से? राइट हैंड की तरफ से चले, पीछे की तरफ से। जैसे सपोज दैट, इधर ध्यान देना मेरे भाइयों, मैं बात करूं 2 1 3 4 5 7 2, इसमें मैं बात करूं कि भाई इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, और इकाई का अंक मतलब यूनिट डिजिट इसकी ज्ञात कीजिए, फाइंड द यूनिट डिजिट्स। तो मेरे भाइयों ध्यान देना, यूनिट डिजिट्स एक चीज बताओ, पीछे से मतलब यही तो इसकी यूनिट डिजिट, यही तो दो ही तो होगा। हाँ भाई बताओ, ये 2 होगा कि नहीं होगा, बताइए मेरे भाइयों। भाई दो ही तो होगा ना यूनिट डिजिट, इकाई का अंक तो दो ही होगा, क्लियर है ना? ऐसा नहीं कि आप ये वाला ले लो, ध्यान देना 3 5 6 1 3 2 4, मैं कहूं इसमें यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिएगा, इकाई का अंक ज्ञात कीजिएगा। तो मेरे भाइयों इकाई का अंक क्या है? ये 4 ही तो इकाई का अंक होगा कि नहीं होगा, बताइए, 4 ही तो इकाई का अंक होगा। ये सभी क्या है मेरे भाइयों? यूनिट डिजिट्स है, जो के मतलब मेरे राइट हैंड की तरफ से इधर से चले, राइट हैंड की तरफ से, ना के लेफ्ट हैंड की तरफ से। तो यूनिट प्लेस का मतलब क्या हुआ मेरे भाइयों? यूनिट प्लेस इसमें 2 हुआ, और इसमें क्या हुआ मेरे भाइयों? इसमें 4 हुआ। बात क्लियर है? बात समझ में आ रही है? बिल्कुल ठीक है, और लेता हूं, बिल्कुल धीमे धीमे समझते हुए चलेंगे, ध्यान देना। मैं बात करूं आपसे 24, मैं बात करूं 25 प्लस 30 प्लस 42, कि इसका यूनिट प्लेस ज्ञात कीजिएगा, इसका इकाई का अंक ज्ञात कीजिएगा। तो एक काम क्या होता है, जब बिल्कुल कोई भी कुछ भी नहीं जानता है, बिल्कुल बेसिक, वो क्या करेगा मेरे भाइयों? इन सभी को ऐड कर देगा। हाँ भाई, इन सभी को क्या कर देगा? वो ऐड कर देगा। भैया 25 और 30 कितना हो गया मेरे भाइयों? 75। भाई ये कितना हो गया, सॉरी, 30 और 25 55 और ये आपके पास कर देगा 42 जोड़ देगा। भाई ये कितना हो गया, ये 55 हो गया और इसमें 42 जोड़ देगा, आपके पास जो मिल जाएगा मेरे भाई ये 2 97 मिला कि नहीं मिला, मुझे इतना बताओ बस। भाई 25 और 30 55 प्लस 42, इसका मतलब क्या हो गया आपके पास? ये 97 हो गया, 97 हो गया। तो यूनिट प्लेस क्या आया इसका मेरे भाइयों? 7 आ गया कि नहीं आ गया, 7 आ गया कि नहीं आ गया। अभी तो बात ये छूटी थी, लेकिन मैं इसको बहुत ज्यादा बड़ा कर दूं तो फिर कैसे आप बताओगे? मैं ये बोलूं कि भाई इसका बताओ 531 प्लस 431 प्लस 2 7 6 5 2 8 प्लस 5 10, ओके, अब इसको आप ऐड करके बताइए कि इसका यूनिट प्लेस क्या होगा।
तो अब तो बात आपके कहीं ना कहीं फंसने वाली हो गई भाई। आप तो इसी में पूरा टाइम निकाल दोगे जोड़ने में। क्या टाइम एग्जाम्स के अंदर इतना है? क्या आप इनको जोड़ोगे और उसके बाद आप आंसर बताओगे? तो बस एक बात, इस बात को ध्यान में रख लो, यूनिट प्लेस का मतलब पीछे से एक अंक केवल, यूनिट डिजिट केवल किस दर से, इकाई से, पीछे राइट हैंड की तरफ से केवल एक अंक। ये बात ध्यान में रख लो, बस ये बात ध्यान में रख ली। यहां क्या है मेरे पास? फाइव। यहां क्या है मेरे पास? जीरो। यहां क्या है मेरे पास? टू। फाइव प्लस टू क्या आंसर आ गया? सात। क्या आ गया? सात। चाहे वो ऐड कराए, चाहे वो माइनस कराए, चाहे वो डिवीजन कराए, चाहे वो मल्टीपल कराए, केवल एक ही चीज याद रख लो, पीछे से एक अंक, इकाई से मतलब मेरे राइट हैंड की तरफ से एक अंक। बस बात समझ में आ गई। तो इतना आपको कोई भी जोड़ने की जरूरत ही नहीं है मेरे भाइयों, इतना ये जोड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, कोई भी आवश्यकता नहीं है। सीधे क्या करो, इसको आप ऐड कर दीजिएगा, 25 प्लस 30 प्लस 42 कितना हो गया? ये 5, ये 0 और ये 2, ये कितना हो जाएगा आंसर? 7 हो जाएगा डायरेक्ट। बात क्लियर है? बात समझ में आ गई मेरे भाइयों? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? मैं आपसे बात करूं, 5 2 1 प्लस 2 3 3 4 प्लस 3 2 1 0, बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा मेरे भाइयों? यूनिट डिजिट्स इकाई का अंक क्या होगा? 5 2 1 प्लस 2 3 3 4 प्लस 3 2 1 0। आपके दिमाग में एक ही चीज आई, क्या? क्या मेरे भैया पीछे से एक ही अंक लेना है? तो ध्यान दीजिएगा, क्या किया आपने? 1 लिया, 1 प्लस 4 प्लस 0, 4 प्लस 1 प्लस 0, आंसर क्या आ गया मेरे भाइयों? 5। आंसर क्या आ गया मेरे भाइयों? 5। अच्छा, ये बात क्लियर हुई। अब मैं और क्वेश्चन लेता हूं, ध्यान देना। 5 2 1 0 मल्टीप्लाई 3 1 3 2 4 मल्टीप्लाई 5 1 3 1, इसका ज्ञात कीजिएगा यूनिट प्लेस क्या होगा। भैया यूनिट प्लेस की बात चल रही है सभी जगह, अभी मैं इकाई के अंक की ही बात कर रहा हूं, और एक जगह इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। देखो ध्यान देना भाई, मैं तीन आपको एक सी फॉर्मेट बताता हूं कि जो आप इसको हमेशा याद रखना, यूनिट प्लेस निकालने में ये इतनी बड़ी मदद करेंगी कि आप सोच नहीं सकते हो। एक पहली फॉर्मेट, आप किसी का भी जीरो में मल्टीप्लाई करो, चाहे टू में करो, चाहे थ्री में करो, हमेशा जीरो मिलेगा। चाहे 3 मल्टीप्लाई 0 करोगे, हमेशा 0 मिलेगा। आप 0 का किसी से भी गुणा कराइए, 0 का आप किसी से भी मल्टीपल कराइए, हमेशा आपको जो प्राप्त होगा वो क्या होगा मेरे भाइयों? 0 प्राप्त होगा। बात क्लियर है? जहां पर 5 और 2 आपस में मिल गए तो वहां पर 0 की उत्पत्ति हो जाएगी। किसकी उत्पत्ति हो जाएगी मेरे भाइयों? 0 की उत्पत्ति हो जाएगी। जहां 5 और 2 का संयोग हुआ वहां 0 की उत्पत्ति हो गई। बात समझ में आई? जहां जहां 5 और 2 मिले, कहीं पर भी मिल जाए, वही 0 की उत्पत्ति कर देंगे वो। तो 5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू क्या आएगा यूनिट प्लेस? 0 आ जाएगा। चाहे 2 मल्टीप्लाई 5 हो, क्या आ जाएगा मेरे भाइयों? 0 आ जाएगा। बात क्लियर है? ये सेकंड फॉर्म थी। देखो, आप किसी का 0 से मल्टीपल कराइए, आपको क्या मिलेगा मेरे भाइयों? 0 मिलेगा, हमेशा 0 मिलेगा। सेकंड क्या बताया मैंने? जहां 5 और 2 का क्या हुआ मेरे भाइयों? संयोग हुआ, वहां किसकी उत्पत्ति हो जाएगी मेरे भाइयों? 0 की उत्पत्ति हो जाएगी। जहां जहां 5 और 2 मिले वहां तुरंत 0 का उद्घाटन हो जाएगा मेरे भाइयों। थर्ड फॉर्म, जहां 5 में ऑड का मल्टीप्लाई हुआ, चाहे 1 का 5 मिलेगा, 5 मल्टीप्लाई 3 5 मिलेगा,
फाइव मल्टीप्लाई फाइव क्या मिलेगा, फाइव मिलेगा। जहां भी ये थर्ड फॉर्म है, जहां भी आपको फाइव का ऑड मल्टीपल का मैं मल्टीपल करूंगा, गुणा करूंगा, फाइव मिलेगा। और इवन का मल्टीपल करूंगा तो हमेशा क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा हमेशा। ये ऑड का मल्टीपल था, मैं इवन का मल्टीपल करूंगा मेरे भाइयों तो हमेशा क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। क्या मिलेगा मेरे भाइयों, जीरो मिलेगा। यहां से आपके पास मैंने चार फॉर्मेट बताई कि पहली बात, जब कभी भी आप किसी का जीरो से मल्टीपल कराइए तो हमेशा यूनिट प्लेस, हमेशा यूनिट डिजिट, इकाई का अंक आपको जीरो ही प्राप्त होगा। सेकंड बताया कि जहां पर पांच और दो का संयोग होगा, जहां पांच और दो आपस में मिल जाएंगे वहां किसकी उत्पत्ति हो जाएगी मेरे भाइयों, जीरो की उत्पत्ति हो जाएगी। ये बात थर्ड मैंने बताया, जब कभी भी मैं फाइव में ऑड का मल्टीपल कर दूंगा तो हमेशा मुझे क्या प्राप्त होगा मेरे भाइयों, फाइव ही प्राप्त होगा। फाइव बन जा फाइव, फाइव का थ्री से करो फिर भी फाइव, फाइव मल्टीप्लाई फाइव करोगे फिर भी फाइव, और नाइन में करोगे फिर भी फाइव। कुछ भी करो, आपके पास ऑड का मतलब होता है जो विषम का, ऑड को हम हिंदी में बोलते हैं मेरे भाइयों विषम, और विषम वो होता है जिसमें दो से भाग ना जाए। इवन सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनमें दो से भाग चला जाए। बात क्लियर है, विषम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसमें दो से भाग ना जाए, सम संख्याएं इवन संख्याएं वो होती हैं जिसमें दो से भाग चला जाए। थर्ड बताया कि फाइव का आप इवन से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको मेरे भाइयों, जीरो प्राप्त होगा। बात क्लियर है, कोई डाउट्स? ठीक है, अब मैं चलता हूं इस क्वेश्चन की तरफ। यही क्वेश्चन था ना मेरा, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, देखते ही आंसर बताइए। आपको एक चीज दिखाई दी, यहां क्या दिखाई देगा, जीरो, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, जीरो आंसर हो जाएगा। देखते ही क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, जीरो आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको यहां क्या दिखाई दे गया, जीरो दिखाई दे गया। और जीरो का किसी से भी गुणा कराइए, क्या प्राप्त हो जाता है मेरे भाइयों, जीरो ही प्राप्त हो जाता। बात समझ में आ गई, कोई डाउट्स यहां तक? ठीक है, आगे ध्यान देना, मैं और लेता हूं। मैं आपसे बोलूं टू वन थ्री फाइव फोर थ्री फाइव टू मल्टीप्लाई फोर वन थ्री थ्री टू मल्टीप्लाई फोर वन क्या आ जाएगा यूनिट प्लेस, बताइए बताइए मेरे भाइयों क्या आ जाएगा। भाई आपको यहां क्या दिखाई दिया, यहां एक फाइव दिखाई दिया और यहां क्या दिखाई दिया, टू दिखाई दिया। जब मैंने बोला कोई भी पेयर एक भी मिल जाए, मुझे नहीं देखना कि तीन बार पांच आ रहा है या तीन बार चार आ रहा है, केवल मुझे यह दिखाई दे जाए कि पांच और दो है मेरे भाई, इसमें पांच और दो मिल चुके हैं, तुरंत देखते ही क्या लगा दोगे, जीरो लगा दोगे। क्या लगा दोगे आंसर, जीरो लगा दोगे। क्या आंसर आ जाएगा मेरे भाइयों, जीरो आ जाएगा। बात क्लियर है, क्यों? क्योंकि मेरे भाइयों यहां पांच और दो मिल चुका है, और जब कभी भी पांच और दो मिला तो सीधे ही देखते क्या आंसर आ गया मेरे भाइयों, जीरो आ गया। और क्वेश्चन लेता हूं मैं, ध्यान देना, ये सब यूनिट प्लेस की बात कर रहा हूं, इकाई के अनुपात की कर रहा हूं। फाइव टू बताइए क्या आएगा इसका यूनिट प्लेस, बताइए इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा। भाई आपको यह फाइव दिखाई दे गया और यहां पर क्या दिखाई दे गया मेरे भाइयों, टू दिखाई दे गया, और मैं टू मल्टीप्लाई फाइव का तुरंत मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आ जाता है मेरे भाइयों, जीरो मिल जाएगा। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो ये चीज आप दिमाग में घुसा लीजिएगा, जहां कहीं भी आपको जीरो दिखाई दे तुरंत जीरो कर दीजिएगा उसका आंसर।
पांच और दो का संयोग हो जाए, तुरंत फिर भी क्या कर दीजिएगा आप, जीरो आंसर कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि मेरे भाइयों इसका आंसर जीरो हो जाएगा पांच और दो की वजह से। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान देना, और क्वेश्चन लेते हैं। मैं कहता हूं आपसे 5 3 2 5 1 मल्टीप्लाई 5 3 2 5 3 5 1 7 बताइए इसका आंसर क्या आएगा। आपको यहां दिखाई दिया 7 और 5, 5 का ऑड से मल्टीप्लाई है कि नहीं? 5 का मैंने ऑड से मल्टीप्लाई बताया तो क्या मिला था 5, और मैंने क्या बोला था 5 का इवन से मल्टीप्लाई करेंगे, इवन मतलब सम, क्या मिलेगा 0। 5 का विषम से गुणा करेंगे तो 5 मिलेगा, और 5 का सम से गुणा करेंगे तो 0 मिलेगा। यही दो चीज बताई कि नहीं बताई मैंने मेरे भाइयों? यही दो चीज बताई। बस एक चीज याद रखना कि ये क्या हो जाएगा, ये कुछ भी नहीं देखने की जरूरत, केवल एक ही चीज देखनी है, कोई सा भी टर्म मिल जाए तो क्या 5 और 7 क्या आंसर आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई 7 आप भी जानते हो क्या आंसर आ जाएगा मेरे भाइयों, 5 आ जाएगा। क्यों? 5 × 7 = 35। इसलिए क्या आंसर आ जाएगा मेरे भाइयों, इसका 5 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है मेरे भाइयों, बताइए मेरे भाइयों। ये 5 का मल्टीप्लाई 5 से, 5 का कभी भी आप ऑड के मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमेशा 5 ही आपको प्राप्त होगा। बात समझ में आ रही है? और कभी भी 5 का इवन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमेशा आपको इवन ही प्राप्त होगा, इवन नहीं सॉरी 0 प्राप्त होगा। ये बात क्लियर हो गई। मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं 5 और इवन वाला, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद आने चाहिए, रहने चाहिए। फाइव टू वन टू, थ्री टू वन फाइव, फाइव टू थ्री वन, ध्यान दीजिएगा। अब आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, यूनिट प्लेस एक क्या दिखाई देगा मुझे 5, और एक क्या दिखाई देगा मुझे 2। मैंने बोला था जब कभी भी 5 का इवन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इवन मतलब समझो 2 से भाग चला जाएगा, और तुरंत देखते ही क्या कर दोगे आप आंसर 0। ये बताया था कि नहीं बताया मैंने अभी? इस बात को ही हर बार बोल रहा हूं मैं, इस बात को ही हर बार बोल रहा हूं। तो 5 मल्टीप्लाई 2 और = 10, और 10 का मतलब आंसर क्या हो गया मेरे भाइयों, 0। क्या आंसर हो गया मेरे भाइयों, 0। बात क्लियर है? बात समझ में आ गई आप सभी के? तो 5 मल्टीप्लाई 2, तो मैंने 5 का मल्टीप्लाई इवन से किया तो क्या आ गया 0, और ये हमेशा ही 0 आएगा चाहे वो कुछ भी हो, मैं प्रूफ कर चुका हूं। तो 5 मल्टीप्लाई 2 = 0 आंसर। अब ध्यान देना, अब एक आता है दोस्तों फैक्टोरियल का। किसका दोस्तों? फैक्टोरियल का, कि फैक्टोरियल का हम कैसे निकालते हैं। ये फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है, इस फैक्टोरियल 5 का मतलब, या इसको इस तरीका से भी फैक्टोरियल 5 हम लिख देते हैं फैक्टोरियल। ध्यान देना मेरे भाइयों, ये फैक्टोरियल ये क्या है मेरे भाइयों, फैक्टोरियल है, इस फैक्टोरियल का मतलब होता है मेरे भाइयों कि आप कहीं पर भी हो आपको एक तक जाना है। फैक्टोरियल की मित्रता किससे है मेरे भाइयों? एक से है, वन से है। वो ये कहता है यार कि मैं एक के बगैर नहीं रह सकता, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं मिलने एक से जरूर जाऊंगा। फैक्टोरियल एक बात कहता है कि यार आप कुछ भी कराओ मेरे से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप मुझसे कहो ना कि यार एक से बिछड़ जाओ तो मैं बिछड़ नहीं सकता उससे,
क्यों? क्योंकि मुझे एक से मिलना है चाहे कोई भी हर हालत हो। तो मेरे भाइयों ये 5 4 3 2 1 तो किससे मिलने जाएगा मेरे भाइयों? एक तक मिलेगा। इस फैक्टोरियल का ही मतलब क्या होता है मेरे भाइयों? एक तक मिलना। फैक्टोरियल एक तक मिलेगा। मैं बोलूं जैसे फैक्टोरियल लाइन ये कहां तक जाएगा मेरे भाइयों मिलने के लिए? एक तक जाएगा ना। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इसको यहां तक आना ही आना है मेरे भाइयों, ध्यान रख लो, इसको 1 तक आना ही आना है चाहे कुछ भी हो जाए। इसको 1 तक आना ही आना है चाहे कुछ भी हो जाए। बात क्लियर है? बात समझ में आ रही है यहां तक मेरे भाइयों? बताइए। ठीक है, मैं बात करूं फैक्टोरियल 20, तो आपको क्या करना है? 20 19 18 17 ... 2 और 1। इसका मतलब यह हुआ कि मेरे भाइयों ये मुझे एक तक तो आना ही आना है। फैक्टोरियल की मित्रता किससे है मेरे भाइयों? एक तक है, एक से है। इस बात को दिमाग में घुसा लीजिएगा। किसमें घुसा लो? दिमाग में घुसा लो इस चीज को, दिमाग में, कि इसकी मित्रता एक से है। बात क्लियर है? अब मैं इसी पर एक क्वेश्चन लेता हूं और ध्यान देना, ध्यान दो। मैं ये बोलूं फैक्टोरियल 4 में यूनिट प्लेस क्या होगा? फैक्टोरियल 4 का यूनिट प्लेस क्या होगा? मैं आपसे ये क्वेश्चन बोलता हूं भाई, फैक्टोरियल 4 का यूनिट प्लेस क्या होगा? अब ध्यान देना, आपको भाई ये काम तो करना ही पड़ेगा। 4 × 3 × 2 भाई 4 × 3 × 2 × 1 क्योंकि एक तक तो आना ही आना है। 4 × 3 = 12 × 2। ऐसा नहीं 12 × 2 = 24 पूरा करो, नहीं, यूनिट का मतलब ही होता है 2 × 2 = 4। केवल यूनिट प्लेस में एक ही चीज याद रखनी है, चाहे कुछ भी हो जाए आपको हमेशा क्या करना है मेरे भाइयों? यूनिट यूनिट का ही गुणा करना है, यूनिट यूनिट का ही गुणा करना है, इकाई का इकाई का ही गुणा करना है। समझ में आई बात? ये बात क्लियर होगी? फैक्टोरियल के मैं कैसे किस तरीका से यूनिट प्लेस निकालता हूं, इकाई का अंक ये होता है, इस तरीका से निकाला जाता है। और ले लेता हूं मैं एग्जांपल्स, ध्यान देना, और ध्यान देना। मैं बोलूं फैक्टोरियल 9, तो इसके बहुत से स्टूडेंट्स देखते ही आंसर दे देंगे, इसके स्टूडेंट्स बहुत से ही देखते ही आंसर दे देंगे। ध्यान देना मेरे भाइयों, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और शायद ये चीज मैंने अभी आपके लिए भी समझाई थी कि जहां 5 और 2 का मिल जाएंगे, जहां 5 और 2 का संयोग हुआ वहां 0 की उत्पत्ति होनी होनी है भाई। 5 × 2 = 0 मिलेगा या 2 × 5 = 0 मिलेगा, ये चीज मैं उत्पत्ति के लिए बोल ही रखी थी, बोला था या नहीं बोला था कि जहां 5 और 2 मिले वहां 0 ही आएगा। तो ध्यान देना मेरे भाइयों, फैक्टोरियल 4 के बाद उसका आंसर क्या आ जाता है मेरे भाइयों? 0 आ जाता है। तो देखो क्यों, यहां पर आपको एक 5 मिल गया, यहां पर आपको एक 5 मिल गया और यहां पर आपको क्या मिलेगा? 2। तो 5 × 2 कर दोगे तो 0 ही आंसर आ जाएगा। फैक्टोरियल 4 के बाद क्या आंसर होता है? 0 होता है। फैक्टोरियल 4 के बाद क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। केवल फैक्टोरियल की बात कर रहा हूं, अभी फैक्टोरियल प्लस में भी कुछ अलग दे सकता है, मल्टीप्लाई में कुछ अलग अलग चीज दे सकता है, वो अलग चीज हो जाएगी। केवल ओनली 1 फैक्टोरियल, मतलब अभी एक ही फैक्टोरियल है, चाहे फैक्टोरियल 100 हो, चाहे फैक्टोरियल 20 हो, चाहे फैक्टोरियल 40 हो, ठीक है?
तो उसका आंसर क्या हो जाता, क्यों मेरे भाई मैंने जीरो बोल दिया, क्योंकि उसके चार के बाद पांच भी तो आना स्टार्ट हो जाएगा, दस में भी तो पांच है, उसमें दो भी है। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं सर दस में तो नहीं है, लेकिन भैया दस के फैक्टर्स करोगे तो उसमें आपको पांच भी मिलेगा और दो भी दिखाई देगा, किसमें फैक्टोरियल मेरे भाइयों, किसमें फैक्टोरियल, दस हो चाहे बीस हो, बीस में भी आपको दिखाई देगा, जो इवन है उसमें फाइव और टू दोनों के दोनों आपको दिखाई दे जाएंगे। बात क्लियर है यहां तक, बात समझ में आ रही है, ध्यान देना। फैक्टोरियल फोर के बाद क्या कर दोगे आप, जीरो कर दोगे। अब मैं एक क्वेश्चन बोलता हूं, जैसे आप देखते ही उसका आंसर क्या देते हो, मैं देखता हूं, मैं क्वेश्चन देता हूं आपको एक, ध्यान देना भाई। मैं आपसे एक चीज बोलूं, फैक्टोरियल 70, इसका आंसर क्या आएगा बताइए, इसका आंसर क्या आएगा, तो आप क्या कह दोगे भाई, जीरो आएगा। क्यों, क्योंकि 70 के बाद 69, 68, 67, 66, 65 डॉट 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 5 डॉट 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 2 मल्टीप्लाई 1, तो इसमें 5 और 2 मिलेंगे, और जहां 5 और 2 दिखाई दे गए तो वहां क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, वहां पर 101% जीरो आ जाएगा। वहां क्या आ जाएगा मेरे भाइयों, जीरो की उत्पत्ति हो जाएगी, वहां जीरो आ जाएगा। बात क्लियर है, बात समझ में आ गई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब मैं और लेता हूं, ध्यान देना। अब जैसे एग्जांपल्स लेता हूं, ध्यान देना, एग्जांपल्स 5, 4, 8, 5, 2, 4, 3, 2, 2। अब बताइए, तो बहुत से स्टूडेंट्स के में ये क्वेश्चन लेने का मेरा मकसद क्या है, अब इस चीज का आप ध्यान देना कि जो ये मैं क्वेश्चन ले रहा हूं इसका मेरा मकसद क्या है। केवल ये मकसद है मेरा कि आपको एक चीज याद होनी चाहिए, केवल जब यूनिट डिजिट की बात कर चल रही है तो केवल यूनिट डिजिट का ही चीज चलेगा, केवल यूनिट डिजिट को ही ऐड करूंगा, यूनिट डिजिट को ही जोड़ूंगा, यूनिट डिजिट को ही क्या करूंगा मैं, मल्टीप्लाई करूंगा। बात क्लियर आ रही है, बात समझ में आ रही है। तो ये 8 है, ये 4 है, और ये क्या है मेरे भाइयों, 2 है, ठीक है। तो 8 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2, 8 चौक 32, फिर मल्टीप्लाई 2 और 2 इंटू 2 4। आप चाहते तो 32 मल्टीप्लाई 2 करते तो फिर भी 64 आता भाई, इसका मैं दोनों का मल्टीप्लाई करता फिर भी 64 आता, और 64 आता तो फिर भी आंसर क्या होता मेरे भाइयों, 4 होता। बात समझ में आ रही है आप सभी के या नहीं आ रही है, ध्यान देना भाई। मैं इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो भाई यूनिट जब डिजिट की बात चल रही है, इकाई के अंक की ही बात चल रही है, तो मेरे भाई इकाई का ही तो अंक करूंगा केवल मैं, तो ध्यान देना। तो 8 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 तो कितना हो जाएगा, 32 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि यूनिट का यूनिट से ही मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 इंटू 2 4, आंसर क्या हो जाएगा, 4। चाहे चाहो तो आप वैसे भी कर सकते हो, 32 मल्टीप्लाई 2 64, ऐसे भी कर सकते थे आप, ठीक है। तो 32 मल्टीप्लाई 2, इसका भी 2 इंटू 2 कर दोगे 4 आ जाएगा, या फिर आप एक तरीका 32 मल्टीप्लाई 2 इजिकल टू 64, फिर भी क्या आंसर आ जाएगा मेरे भाइयों, 4 आ जाएगा। बात समझ में आई, बात क्लियर हुई, कोई डाउट यहां तक मेरे भाइयों, बताइए, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर और लेते क्वेश्चन। केवल एक ही चीज याद रखो, यूनिट की बात हो रही है तो यूनिट से ही बात बनेगी मेरी। अब आगे ध्यान देते हैं, अब ध्यान देना, 5, 3, 2, 5, 4 4. क्या हो गया मेरे भाई, इसका इससे 8 चौक 32 मल्टीप्लाई 4, 4 दूनी 8, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बात क्लियर आ रही है, बात समझ में आ रही है ना, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, बताइए मेरे भाइयों, कोई प्रॉब्लम हो बताइए, ठीक है।
आगे यहां से हम क्वेश्चन देखते हैं अब अलग टाइप के थोड़े, किसके पावर वाले, घात वाले, क्या देखते हैं हम पावर घात वाले क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान देना पावर घात वाले क्वेश्चन देते हैं, ध्यान देना। जैसे 52141 की पावर 65, इस तरीका से पावर वाले हम देखते हैं एक बार क्वेश्चन। देखो इन पावर वाले क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है इस चीज के लिए हम भाग देते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, पावर को फोर से भाग करना है, पावर को फोर से भाग करना है, जो रिमाइंडर आएगा जो शेषफल आएगा वो उसकी पावर हम रख देंगे। बात ध्यान देना, जो भी जितनी भी पावर होगी उसको चार से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसको हम पावर में रख देंगे। किसकी? केवल यूनिट प्लेस की। किसकी मेरे भाइयों? केवल यूनिट प्लेस की। किसकी मेरे भाइयों? केवल यूनिट प्लेस की। क्यों? क्योंकि बात तो केवल मैं यूनिट प्लेस की ही बात कर रहा हूं, केवल इकाई के अंक की ही तो बात कर रहा हूं। केवल किसकी बात कर रहा हूं? इकाई के अंक की ही बात कर रहा हूं मैं। बात क्लियर है यहां तक? बात ध्यान देना, पावर को फोर से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेषफल बचेगा, उसको मैं क्या कर दूंगा मेरे भाइयों? मैं उसकी पावर में रख दूंगा। किसकी? यूनिट प्लेस की। किसकी? यूनिट प्लेस की। बात क्लियर है यहां तक? समझ में आ रही है? ध्यान देना फिर आगे, ये वाला क्वेश्चन जैसे, ध्यान देना, एक की, देखो यहां से कुछ चीजें बताता हूं, एक की पावर कुछ भी हो, यहां से कुछ पॉइंट एक ही पॉइंट है, एक की पावर कुछ भी हो हमेशा आंसर एक ही आएगा, ठीक है। यहां चाहे x की पावर जीरो पावर आ जाए तो उसकी पावर, जैसे यदि पावर जीरो आ जाए, पावर का रिमाइंडर जीरो आ जाए, रिमाइंडर शेष जीरो आ जाए तो उसकी पावर फोर मानेंगे, उसकी पावर फोर मानेंगे। यदि रिमाइंडर शेषफल जीरो आ जाए तो उसकी पावर हम कितनी मानेंगे दोस्तों? उसकी पावर हम फोर मानेंगे। ये बात दिमाग में घुसा लो, समझ में आ रही है चीज? उसकी हम पावर कितनी मानेंगे दोस्तों? फोर मानेंगे, ठीक है। एक की पावर कुछ भी हो हमेशा एक ही आएगा, उसकी पावर जीरो बच जाए, रिमाइंडर जीरो बच जाए तो उसकी पावर कितनी मानेंगे हम? चार मानेंगे। अब मैं क्वेश्चन लेता हूं, ध्यान देना, क्वेश्चन लेता हूं, ध्यान देना, 52341 की पावर 65, इसको कितने से गुणा कर भाग देना भाई? चार से। चार एकन चार, चार छिंग 24, पावर एक बची कि नहीं बची? रिमाइंडर कितना बचा भाई? इस 65 को देखो, ध्यान देना, इस 65 को कितने से भाग दोगे? चार से भाग दोगे। चार से भाग दिया 65 में, चार एकन चार, दो उतालिया, चार छिंग 24, कितना बचेगा मेरे भाइयों? एक बचेगा। क्या बचेगा? एक बचेगा। और एक की पावर कुछ भी हो हमेशा क्या आ जाएगा यूनिट प्लेस? एक ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक ही आ जाएगा। बात समझ में आई? एक की पावर कुछ भी हो क्या आ जाएगा आपका आंसर? एक ही आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? बात क्लियर हुई यहां तक मेरे भाइयों? बताइए, क्योंकि देखो 65 है ये पावर थी, घात थी, मैंने चार से भाग दिया तो भाई आपने चार से भाग दिया, जो रिमाइंडर बचेगा वो उसकी आप पावर में लगा दोगे। तो बात समझ में आ गई, एक की पावर एक, आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाइयों? एक आ जाएगा। आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, ध्यान देना, ध्यान देना, मैं बताता हूं आपको 5246 की पावर
513, ध्यान देना। अब ये कुछ भी 513 है, एक्स बाई जेड और भी कुछ आ सकती है पावर, और भी कुछ भी आ सकती है, लेकिन आपको ध्यान केवल एक ही चीज रखना है, जो पावर है उसको 4 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर बचेगा मैं जो यूनिट प्लेस है उसकी पावर चढ़ा दूंगा। 513 में कितने से भाग देना मेरे भाई आपको, 4 से, 4 से भाग दिया, 4 बन जा 4, 4 के आगे 1 बचा, 1 उतार लिया, 4 2 जा 8, 4 दूनी 8, कितना बचेगा मेरे भाई यहां पर, 3, 3 उतार लिया, 4 8 32, कितना बचेगा मेरे भाई, 1 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बच्चे वाली तरह से बता रहा हूं, इससे ज्यादा सरल मैं नहीं बता पाऊंगा मेरे भाइयों, नहीं चाहूं तो इसको मैं डायरेक्ट कह सकता, एक बचेगा पावर रिमाइंडर, क्योंकि 4 एक 4, 4 दो 8 और 4 3 12, समझ में आया, 4 एक 4, 4 दो 8 और 4 8 32, अब ध्यान देना, एक बचा, किसकी पावर, 6 की पावर 1, तो क्या आएगा मेरे भाई, 6 ही तो आएगा, 6 की पावर 6, आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई, 6 ही तो आ जाएगा, क्योंकि भाई 6 की पावर 1, 6 गुणा 1 मतलब 6, बात समझ में आई यहां तक, बात क्लियर है, अच्छा आगे ध्यान देना, मैं इसी पावर को थोड़ा सा चेंज करता हूं, 4 कर देता, तो आपको पता है 4 बन जा 4 या 1 उतार लिया, 4 दूनी 8, कितना भर मेरे भाई, 3 बचा, 4 8 32, तो जो रिमाइंडर बचा वो कितना बचा मेरे भाइयों, 2 बचा कि नहीं बचा, रिमाइंडर कितना बचा मेरे भाइयों, 2 बचा, और 6 की पावर 2 का मतलब क्या होता है मेरे भाइयों, 36, और 36 का मतलब 6, हाँ भाई बताइए, तो इसका यूनिट प्लेस आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, 6 हो जाएगा, ध्यान देना दोबारा से भाई, ये जो पावर है इसको कितने से भाग करना है मेरे भाइयों, 4 से भाग करना है, कितने से, 4 से भाग करना है, 4 से आपने भाग किया तो 6 का भाई पावर 2 बची, 6 की पावर 2 का मतलब 36, 36 का मतलब यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा मेरे भाइयों, 6 ही तो आएगा, यूनिट प्लेस मेरे भाइयों कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, बात क्लियर हुई, बात समझ में आई, देखो कुछ चीजें रटने वाली होती है उनको आप रटो ही मत यार, एक चीज बताओ आप बेसिक पे काम करो, आप इतना चीज कितना माइंड में रट पाओगे, चीजें इतनी चीज रटंत है कि आप कितना रटोगे उसको आप एग्जाम्स में एट ए टाइम भूल जाओगे, तो इसलिए ऐसा अप्रोच पकड़ो कि उस अप्रोच के माध्यम से आपकी बात बनती हुई चली जाए, ठीक है बाबू, ठीक है आगे चलते हैं, आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन, अब ध्यान देना, 3414 की पावर 36, ये मैंने इसलिए क्वेश्चन लिया है क्योंकि आपको ये क्वेश्चन का पता होना चाहिए, ध्यान देना मेरे भाइयों, ये पावर है इसको पहले कितने से मल्टी भाग करना है मुझे बताइए, पावर को कितने से भाई, 4 से, और रिमाइंडर क्या बच गया मेरे भाइयों, 0 बचा, रिमाइंडर तो 0 बच गया, लेकिन रिमाइंडर 0 बचा तो मैंने क्या बोला था, इसकी पावर कितनी माननी है आपको, पावर इसकी 4 माननी है, रिमाइंडर 0 बच गया, इसकी आपको पावर कितनी माननी है, 4 माननी है, 4 माननी है, मैंने बताया था ना भाई ये 36 है, इसकी पावर 36 है, आपने इसको 4 से भाग करना है, हर एक किसी को ये पावर घात वाला आ जाए तो, यूनिट प्लेस का पूछे, यूनिट डिजिट पूछे, इकाई का अंक पूछे, जाओ आपको पता है रिमाइंडर 0 बच गया, मैं इस बात को पहले क्लियर कर चुका था, रिमाइंडर 0 बचा तो इसकी पावर कितनी मानेंगे आप, 4 मानेंगे, कितनी मानेंगे, 4 मानेंगे, और जब 4 की पावर 4 मान लेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 का कितनी बार मल्टीप्लाई, 1 2 3 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, फिर इसका यूनिट यूनिट 6 छिंग 36, कितना आंसर आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यूनिट प्लेस क्या आ गया मेरे भाइयों, 6 आ गया, क्या आ गया, 6 आ गया कि नहीं आ गया 6, तो केवल मैंने ये इसलिए लिया कि 0 ले लेते हैं और वो 6 की 4 की पावर 0 करके उसका आंसर लगा के कितना आ जाते, 1 आ जाते हैं,
और ऑप्शन में होता भी है वन, ऑप्शन में भी वन होता है, तो वो फिर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। आया हुआ नंबर, सॉलिड नंबर आपका गलत अपने हाथ से चला जाता है। इसका आंसर वन नहीं कभी भी लगा के आना, ऐसा मत करना कि रिमाइंडर जीरो बच जाए, क्योंकि किसी की भी पावर जीरो होती है तो उसका मान वन होता है। वन की पावर जीरो वन, या टू की पावर जीरो वन, उसका आंसर वन होता है। लेकिन इसमें नहीं, रिमाइंडर जीरो बच रहा है तो पावर फोर माननी पड़ेगी, और पावर फोर मानोगे तो आंसर तुरंत चेंज हो जाएगा। बस समझ में आया तक? तो इसलिए फोर की पावर फोर ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर सिक्स हो जाएगा। इस तरीका से यूनिट डिजिट्स के ये क्वेश्चन थे। अब मैं कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आऊंगा नेक्स्ट क्लास में, और इसी तरीका से नंबर सिस्टम चलता रहेगा पूरा, और आप ढंग से तैयारी कीजिएगा। अब इधर से नंबर सिस्टम स्टार्ट कर दिया है, उधर से रीजनिंग चल रही है आपकी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट। थैंक्स।